इंस्पेक्टर साहब आइए सर। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने अपने पति को मार डाला। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी ले चलो इसे। एक पत्नी पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने अपने पति की हत्या की, लेकिन इतना गंभीर आरोप सुनने के बाद वो महिला बिल्कुल खामोश थी। लेकिन उसकी इस खामोशी के पीछे उसका गुनाह छिपा था या फिर उसकी बेगुनाही, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। ये सच है कि आज जरा जरा सी बात पर अपने ही अपनों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर आरोप लगा देने भर से ही वो हत्यारा साबित नहीं हो जाता। तो फिर क्या हो रहा था यहाँ? कैसा रिश्तों का खूनी खेल खेला गया था इस परिवार में? कौन था हत्यारा? आइए देखते हैं। अरे खोलो भाभी, अरे हो जाएगा, बस बस खोलो खोलो, खुल जाएगा। हेलो। चलो भाई, अब आपका नंबर। ओके। भाई अब सारे गेम खत्म हो गए तो हम जाएं? अब चलो चलो, अब सारी गेम खत्म हो चुकी है, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ दो। माफ कर दिया आज भैया। क्या हुआ माँ? ये देख क्या हुआ है हमारे साथ। निशा के घर वालों ने धोखा किया है। धोखा? वो निशा का बाप हमें 10 लाख रुपए देने वाला था ना, उसने उस 10 लाख रुपए की एफडी कराई है, वो भी अपनी बेटी के नाम पे। और जमीन देखो, कागजात देखो, ये भी उस निशा के नाम पे है। धोखा दिया है उसके घर वालों ने हमें, सब कुछ अपनी बिटिया के नाम पे करा दिया। तुमने तो कहा था जो कुछ भी हमने कहा है वो सब कुछ दे दिया उन्होंने, अब जाके तो हमने फेरे होने दिए थे, फिर ये सब क्या है? वो सीखा के बाप ने मुझे बोला कि इतना कैश ले जाना रिस्की होगा तो एफडी करा देता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है कर दो। मुझे भी ऐसा लगा कि संजय के नाम पे होगी एफडी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलती उनकी नहीं तुम्हारी होगी, पड़े होंगे पी के कहीं। तुल माजी थोड़ी भूल हो गई इस बार। निशा के घर वालों ने दहेज के नाम पे हमारी कुनी पे गुड़ लगाया, तो हम भी उनकी बेटी को दुल्हन ही बने रहने देंगे। दुल्हन से पत्नी वो कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। क्या हुआ भाभी? भाई नहीं आया अभी तक, लगता है सता रहे हैं आपको। दीदी वो अपने दोस्तों को बाहर तक छोड़ने गए। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे माँ बुला रही है तुम्हें। Thank you.
माँ जी आओ बहू। जी माँ जी आपने मुझे बुलाया। वो क्या हुआ माँ जी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरी और संजय की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। ये आप क्या कह रही है माँ जी? बेटा हमने ये शादी अपने कुल गुरु की आज्ञा के बिना करवाई थी। अभी अभी फोन पे उससे बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये शादी सही मुहूर्त में नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक महीने तक तुम्हारे और संजय के बीच में कोई भी संबंध हुआ तो मेरा बेटा उसकी जान को खतरा है। बेटा मैं जानती हूं बहू, ऐसी दकियानूसी बातों पे तुझे विश्वास नहीं होगा, पर बेटा हमारे गुरुजी ने आज तक जो कुछ भी कहा है ना हमेशा सही हुआ है। मैं तेरे से विनती करती हूँ बेटा, मेरे बेटे को बचा लो। एक माँ के लिए तुम ऐसा कर सकती हो ना, अपने सुहाग के लिए। माँ जी आप हाथ मत जोड़िए, मैं संजय से बात करूंगी। नहीं 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 नहीं, संजय से बात मत करना बेटा, उसे इन सारी बातों पे विश्वास नहीं है। बोलो ना बेटा, अपने पति की लंबी आयु के लिए ये बलिदान दोगे ना तुम? ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत करिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। खुश रहे बेटा, सदा सुहागिन रहे। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। संजय जी प्लीज, निशा इज एवरीथिंग ऑल राइट? एक महीने तक तुम्हारे संजय के बीच में कोई भी संबंध हुआ तो उसकी जान को खतरा है बेटा। संजय जी प्लीज, मैं नहीं कर सकती हूँ आपके साथ ये सब। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कहा ना आपको, नहीं कर सकती मैं आपके साथ ये सब। सुहागरात की बैंड बज गई। आ
एक बात समझ नहीं आ रही है मम्मी जी कि एक महीने में एफडी और जमीन ये आप अपने नाम कैसे करवाएंगी? एक महीना नहीं, एक हफ्ता। मैं उस निशा को ऐसा घुमाऊंगी कि उसके बाप ने उसके नाम पे जो कुछ भी रखा है ना, वो एक ही हफ्ते में मेरे नाम कर देगी। बस किसी तरह से उसके बाप तक ये बात पहुंच जाए कि उसकी लाडली बेटी दुल्हन तो बन गई पर बेचारी पत्नी नहीं बन पाई। अच्छा, ये बात संजय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरा बेटा अपने बाप की तरह उसूल वाला है। अरे उसूल वाले तो हम हैं मम्मी जी, और उसके उसूल अलग है, हमारे अलग है। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। निशा, तुम यहाँ कैसे? वाह मम्मी जी, तो आपकी आस्था अपने गुरुजी के लिए नहीं, दहेज के लिए। चलो अच्छा है, तुझे सारी सच्चाई पता चल गई। अब एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अगर तुझे इस घर में रहना है ना और अपनी शादी को बचाना है, तो तेरे बाप ने जो कुछ भी तेरे नाम पे किया है वो सब कुछ तू मेरे नाम पे कर दे। समझ गई? जी, अगर आप प्यार से सब कुछ मांगती ना, मैं सब कुछ आपको दे देती, पर अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक आप एक पत्नी को अपने पति से अलग रख पाती। क्या करेगी तू? मेरे बेटे को बताएगी? ऐसी गलती मत करना बहू, मैं अपने बेटे को तेरे से बेहतर जानती हूँ। मेरा बेटा ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। समझ गई? मैं भी देखती हूँ माँ जी, आखिर कब तक वो आपकी असलियत से अनजान रहेंगे। मम्मी जी, आपकी बहू तो एक ही दिन में आपके साथ बन गई। अपने ही बेटे और बहू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी दामिनी, सिर्फ दहेज के लिए। दहेज ना सिर्फ एक कानूनी अपराध है बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा कलंक है। और ऐसी सोच रखने वाले लोगों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक माँ, एक सास दहेज के लिए हर संभव साजिश रच रही थी। उसका बेटा दहेज प्रथा का विरोधी था, लेकिन दामिनी के लालच ने बेटे की आवाज को भी दबा दिया। आखिर दामिनी की ये दौलत की हवस उसके परिवार को कहां लेकर जाएगी? हेलो, हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। अरे मेरा बच्चा, कब से तेरे फोन का वेट कर रही हूँ। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सब लोग यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखते। तेरी आवाज से तू खुश नजर नहीं आ रही। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे सुन तो सही। जी सुनिए, ये एफडी और प्रॉपर्टीज पापा ने मेरे नाम पे की। आप कल मुझे बैंक और कोर्ट ले चली, हम सब कुछ पाजी के नाम पर कर देंगे। निशा, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही? इन सब की वजह आपकी माँ है, वही चाहती है कि मैं सब कुछ उनके नाम पर कर दूँ। देखो निशा, तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे बारे में कह सकती, लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा बेटा ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। सुनिए, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। धनी, मैंने क्यों माँ जी के बारे में ऐसा सोचा? मैं परसों रात के लिए भी बहुत शर्मिंदा।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं दिशा तुम्हें क्या हो गया। देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में। जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अपनी पत्नी की पहली गलती को माफ नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जिया जी। गुड मॉर्निंग दीदी। वो झाड़ू और डस्टबिन कहाँ है? वो वहां रखा है। तो ऐसा क्या हुआ जो इतनी सुबह सुबह तुम्हें झाड़ू और डस्टबिन चाहिए? दरअसल कल रात को ये और मैं साथ में थे। अब मैं कैसे बताऊं आपको, मेरी कुछ चूड़ियां टूट गई। और आप तो जानते ही हैं कि टूटी हुई चूड़ियां बहुत चुभ सकती है ना मम्मी जी? मम्मी जी चूड़ी टूटने के बहाने बता के वो वारदात मना ली उसने। माँ मुझे ये निशा ना बहुत तेज लग रही है। देखना ये धीरे धीरे भाई को भी वश में कर लेगी। संजय तुझसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। इकलौती बहन है तू उसकी। तुझे दुख में वो देख नहीं पाएगा। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। पहली मुलाकात में उनकी बीवी से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। मम्मी जी क्या आ गया? शुरू हो जाओ। चलो चलो हम ऐसा करते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें अपने घर पे डिनर पे बुला तो मैं क्या करूं? हाँ मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। माँ देख लो कैसे बोल रहे हैं। ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी पत्नी से? तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उसका क्या? क्या तुमने उसका ये सब क्या हो रहा? कैसा धोखा दिया मेरी बहन? देखो ना बेटा दामाद जी कह रहे हैं कि जब तक हम इन्हें दहेज के 10 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक ये शिखा को घर नहीं ले जाएंगे। दहेज 10 लाख रुपए? जीजा जी आपकी शादी को 1 साल हो चुका है और बिन मांगे ही हम आपको इतना कुछ दे चुके हैं तो फिर से ये दहेज की बात कहां से निकल के आ गई? अरे मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ जो 1 साल से चुप हूँ। लेकिन शिखा ने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी में जो दहेज मिलेगा उसमें से तुम खुद 10 लाख अलग से हमें दोगे। और सुनो अगर तुम चाहते हो कि मैं शिखा को अपने साथ रखूं तो पैसों के साथ ही उसे मेरे घर भेजना वरना समझ जाओ। अरे 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 सुनिए तो मिल जाएगा माची भाई दे देंगे आपको पूरे 10 लाख देने का। इनके साथ ना बहुत प्यार करता है दे देगा 10 लाख रुपए। हाँ रोना बंद कर बेटा रोना बंद कर। परेशान हो? देखिए पापा ने मेरे नाम पे जो एफडी की है कल हम बैंक चलकर उसके पैसे ले आते हैं। आप वो पैसे शिखा को दे दीजिएगा। उन पैसों पर तुम्हारा हक है और मुझ पर आपका हक है। जो कुछ भी मेरा है वो सिर्फ मेरा नहीं आपका भी। नहीं निशा वो पैसे मैं प्लीज मेरी बात मान लीजिए। निशा थैंक यू सो मच तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। पैसे लेके आ रहे हो? वो तो आना ही था। आज तक मेरी कोई चाल नाकामयाब हुई है? अरे मम्मी आपकी चाल तो कमाल है। कमाल फैन हूँ। जीजा जी
ये लीजिए पूरे 10 लाख। पैसे गिनने की क्या जरूरत है, तुम बोल रही हो तो गिन ही लेता हूँ, कोई बात नहीं। और क्या गिनता हूँ, आप इस पे साइन कर लीजिए। क्या लिखा है इन कागजों में? इस पर यह लिखा है कि ये 10 लाख रुपए लेने के बाद तुम शिखा को दहेज के लिए कभी तंग नहीं करोगे। ये क्या बात है? ऐसा भी कोई होता है क्या बेटा? रिश्तेदारी में ये लिखा पड़ी क्यों? नहीं माँ, निशा ने मुझे समझाया, शिखा के भविष्य के लिए हमें यह करना बहुत जरूरी है, वरना इन लोगों का क्या भरोसा है, कल को दहेज के लिए फिर से डिमांड करने लगे। माँ जी, अब सब लोग आपकी तरह अच्छे तो नहीं होते हैं ना, और फिर जब जीजा जी पैसे ले ही रहे हैं तो उन्हें साइन करने में क्या दिक्कत हो सकती है? साइन क्यों कर दूं मैं? ये कोई बात है, साइन कर दूंगा, कुछ भी पेपर में साइन कर दूंगा मैं, साइन कर दूंगा, साइन ही साइन ही तो करने की बात है। दीजिए वकील साहब, छोटी सी बात है इसमें, निशा तुम इतना साइन ही करनी है, कर देता हूं। जी आप आ जाइए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये वो दहेज के पैसे हैं जो इन्होंने हमसे लिए। और ये रहा इसका लिखित सबूत। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी ननद पर बहुत अत्याचार करते हैं, जब से शादी हुई है आए दिन उन्हें दहेज के लिए परेशान करते रहते। ले चलो इसे। क्या बात? छोड़ो यार, क्या कर रहे हो सर? अब शिखा, मैं कब परेशान किया तुझे? कब किया परेशान? बोलने इसको क्या 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 बोले जा रही है निशा? मम्मी जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने कोई दहेज वहेज नहीं लिया यार, सरपंच तो ये है कि दहेज की मांग इन दोनों की थी, इनके पाप से पैसे हड़पने के लिए, और मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने दहेज के लिए डिमांड किया था। झूठ बोल रहे हैं ये। तू क्यों बोलती है? इंस्पेक्टर साहब काम कर, मुझे ले चलो। अरे जेल मत ले जाइए भाई। भाई ऐसा मत करो, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें माफ कर दो। क्यों तमाशा बना रहे हो बेकार में? छोड़ दो इन्हें, माफ कर दो ना भाई। दीदी हम इन पर से केस वापस ले सकते हैं, अगर ये लिख कर दे कि अभी कभी भी आपको दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। हाँ ठीक है ना, मैं तैयार हूँ, कहाँ साइन करने में तैयार हूँ, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा मेरी वाइफ को, ये मेरी अच्छी गलती है। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तेरी बीबी पर थोड़ी भी खरोच आई तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा, समझा? चलो। हाँ निशा, ये पैसे जाकर अपने एफडी अकाउंट में वापस डाल दो, इतना पैसा घर में रखना ठीक नहीं। आइए वकील साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक अंग्रेजी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार सन 2001 से 2012 के बीच हमारे देश में कुल 91,202 बहुओं को दहेज के लिए मार डाला गया। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन अफसोस ये कुरीति आज भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई बनी हुई है। अब यहाँ निशा की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था, उसकी सास दामिनी हर तरह से उसके जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रही थी। क्या होगा आगे? क्या निशा अपनी सास की साजिशों को मात देने में कामयाब हो जाएगी, या फिर दहेज के लिए जलाई जाने वाली बहुओं की फेरिस्त में उसका नाम भी शामिल हो जाएगा?
अपनी पूज्य सास के लिए एक कप चाय बनाते। जी माँ जी, अभी लाई। फिर मेरी प्यारी बहू आएगी, लाइटर उठाएगी, गैस को जलाएगी और भम। तो आप मुझे चलाकर मारना चाहते? वो क्या है ना माँ जी, कि ये सब बहुओं को चलाकर मारने के तरीके ना बहुत पुराने हो चुके हैं आपके जमाने के। इस हद तक गिर गई कि मुझे चलाकर मारना चाहती हैं। अब मुझे संजय को सब कुछ बताना पड़ेगा। तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी? कौन करेगी उसे? कौन करे? बता के रहूंगी उनसे। हम कह रहे हैं बातों पे भरोसा ही नहीं करेगा। अरे फोन छोड़ी छोड़ी मुझे। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। देखती हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। हेलो हेलो संजय जी, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। माँ जी मुझे जलाकर मारना चाहती है। मैं सच बोल रही हूँ संजय जी, प्लीज जल्दी से घर आ जाइए प्लीज। तेरी बीवी मुझे जला के मारना चाहती है। अच्छा हुआ बेटा कि तू वक्त पे आ गया। अगर तू वक्त पे नहीं आता तो ये तो मुझे जला के मार चुकी होती। बाजी ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैं तुझे सच बताती हूँ, मुझे ऐसे क्या ना पता नहीं से क्या हो गया, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलने लग गई। बोला कि मैं इसके सारे पैसे शिखा को देना चाहती हूँ। फिर इसने मुझसे कहा कि देखिएगा मैं आपको इस घर से कैसे निकालती हूँ। फिर बेटा तुझे फोन कर दिया और कहा कि मैं इसे जला के मारना चाहती हूँ। माँ जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ माँ दिशा बिल्कुल सही कह रही है, दिशा का फोन जरूर आया था लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि ये तो कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है माँ और आप अजीब सा बिहेव कर रही है। देखती हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। हेलो संजय जी आप जल्दी से घर पे आ जाइए, माँ जी मुझे जला कर मारना चाहती है। मैं सच बोल रही हूँ संजय जी, प्लीज जल्दी से घर आ जाइए प्लीज। हेलो हाँ संजय जी आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए, माँ जी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ ये तो क्या कह रहा है बेटा? सच कह रहा हूँ माँ। पागल हो गया? अरे मैंने अपने कानों से सुना कि ये तुझे फोन करके कह रही थी कि मैं इसे जला के मारना चाहती हूँ। माँ मेरा विश्वास कीजिए, दिशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या मैं पागल हो गई हूँ? माँ जी मुझे लगता है कि माँ जी की दिमागी हालत ठीक नहीं, हमें जल्दी से इन्हें किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तुझे दिखाना चाहिए? मैं पागल नहीं हूँ, पागल तू है, सुना तूने? ऑफिस से फोन है, मैं इन्हें बोल देता हूँ कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लेता हूँ, शाम को डॉक्टर के पास चलते हैं, माँ को कमरे में ले जाओ। हेलो अरे हाँ कुमार साहब अरे हाँ
मुझे मेरे बेटे के सामने पागल साबित करना चाहती है। तो मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। क्या चीज है ये जानने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। पर एक बार कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आप सुधरी नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। निशा प्लीज जल्दी कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं यार। ये लीजिए। देखो आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जाना पड़ेगा। निशा तुम माँ का ख्याल रखोगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। That's very good. और देखो कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे माँ को गुस्सा है। और शाम को हम माँ को दिमाग के डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। हाँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे बेटे के सामने तो मुझे पागल साबित करना चाहती है। ये आइडिया तूने मुझे ही दिया, अच्छा है। अब इस पागलपन में मैं तेरा खून भी कर सकती हूँ। अम्मी जी डर गई। अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरा खून नहीं करूं तो अपने बाप को फोन लगा और बोल जो कुछ उसने तेरे नाम किया है ना वो सब कुछ मेरे नाम करते। फोन लगाती है। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज लगाती हूँ। अच्छा अपने बाप के बदले संजय को फोन लगा रही हो, पर आज तेरी किस्मत बड़ी खराब है। संजय आज फोन घर पे छोड़ गया। आज तो तू गई, घर में कोई भी नहीं है। मम्मी जी आप क्यों कर रही है ऐसा? मम्मी जी अपने बेटे की गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही है? उसकी गृहस्थी बर्बाद नहीं कर रही हूँ, आबाद कर रही हूँ। बर्बाद तो मैं तुझे करूंगी। संजय
पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर साहब आइए सर। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने अपने पति को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब आइए सर। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने अपने पति को मार डाला। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी ले चलो इसे। एक पत्नी पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने अपने पति की हत्या की, लेकिन इतना गंभीर आरोप सुनने के बाद वो महिला बिल्कुल खामोश थी। लेकिन उसकी इस खामोशी के पीछे उसका गुनाह छिपा था या फिर उसकी बेगुनाही, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह, सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। ये सच है कि आज जरा जरा सी बात पर अपने ही अपनों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर आरोप लगा देने भर से ही वो हत्यारा साबित नहीं हो जाता। तो फिर क्या हो रहा था यहाँ? कैसा रिश्तों का खूनी खेल खेला गया था इस परिवार में? कौन था हत्यारा? आइए देखते हैं। अरे खोलो भाभी, अरे हो जाएगा, बस खोलो, खुल जाएगा। हेलो। चलो भाई, अब आपका नंबर। ओके। भाई अब सारे गेम खत्म हो गए तो हम जाएं? अब चलो चलो, अब सारी गेम खत्म हो चुकी है, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ दो। हाँ, माफ कर दिया आज भैया। क्या हुआ माँ? ये देख क्या हुआ है हमारे साथ। निशा के घर वालों ने धोखा किया है। धोखा? वो निशा का बाप हमें 10 लाख रुपए देने वाला था ना, उसने उस 10 लाख रुपए की एफडी कराई है, वो भी अपनी बेटी के नाम पे। और जमीन देखो, कागजात देखो, ये भी उस निशा के नाम पे है। धोखा दिया है उसके घर वालों ने हमें, सब कुछ अपनी बिटिया के नाम पे करा दिया। तुमने तो कहा था जो कुछ भी हमने कहा है वो सब कुछ दे दिया उन्होंने, अब जाके तुमने फेरे उन्हें दिए थे, फिर ये सब क्या है? वो सीखा के बाप ने मुझे बोला कि इतना कैश ले जाना रिस्की होगा तो एफडी करा देता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है कर दो। मुझे भी ऐसा लगा कि संजय के नाम पे होगी एफडी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलती उनकी नहीं तुम्हारी होगी, पड़े होंगे पी के कहीं। माजी बड़ी भूल हो गई इस बार। निशा के घर वालों ने दहेज के नाम पे हमारी कुनी पे गुड़ लगाया, तो हम भी उनकी बेटी को दुल्हन ही बने रहने देंगे। दुल्हन से पत्नी वो कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। तो सावधान।